हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31S में जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है और Realme X3 में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। तो सैमसंग की डिस्प्ले है 6.5 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल और उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। और Realme की डिस्प्ले है 6.6 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल और उसमें IPS सेंसर डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग आगे हैं क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि IPS सेंसर डिस्प्ले से बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर के, तो सैमसंग है एक्सिनोस का 9611। सैमसंग का खुद का ही प्रोसेसर है और CPU है 2.3 GHz ऑक्टेकोर का और उसमें 10 नैनोमीटर्स का फिनफैट और उसका GPU है जी बेहतर है MP3 का। और Realme का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है 855+ का, CPU है 2.96 GHz ऑक्टेकोर का और उसमें 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट और उसका GPU है 640 का। प्रोसेसर के मामले में Realme आगे हैं, इसमें आप अच्छे से गेमिंग भी कर सकते हो। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, दोनों का सेम है एंड्रॉइड 10। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो सैमसंग का जो बैक कैमरा क्वाड में है 64+ 12+ 5+ 5 MP का और Realme का जो बैक कैमरा वो भी क्वाड में है 64+ 8+ 8+ 2 MP का। दोनों का जो बैक कैमरा में ज़्यादा फर्क नहीं है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, सैमसंग का फ्रंट कैमरा है सिंगल 32 MP का है और Realme का जो फ्रंट कैमरा है वो डुअल है 16+ 8 MP का। बात करते हैं बैटरी की, तो सैमसंग बैटरी दी गई है 6000 mAh की और Realme बैटरी दी गई है 4200 mAh की और दोनों फोन बैटरी नॉन वेल हैं, आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं। बैटरी के मामले में सैमसंग आगे हैं। बात करते हैं चार्जर की, सैमसंग में 25 वाट का और Realme में है 30 वाट का और दोनों फोन में टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है और तीन दोनों फोन में दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो आप सैमसंग में 2 सिम 7 MB का डाल सकते हो लेकिन रियलमी में आप सिर्फ 2 सिम डाल सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लॉक दोनों फोन में दिया गया है, कनेक्टिविटी दोनों में 3G 4G की है और दोनों की वारंटी सेम है 1 साल की। बात करते हैं रैम की, तो सैमसंग में रैम है 6GB और 8GB की, रियलमी में यही है। बात करते हैं मेमोरी की, दोनों में सेम 128 GB की, दोनों में आपको फ्रंट में ग्लास दिया गया है, बैक साइड प्लास्टिक दी गई है। बात करते हैं प्राइस की, तो सैमसंग का प्राइस है 6GB 128GB का 19,499 रुपये और Realme का जो प्राइस है 6GB 128GB का 24,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन से कौन सा फ़ोन पसंद है कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको अच्छी सी डिस्प्ले लेनी है, कैमरा बढ़िया लेना है, बैटरी बड़ी चाहिए तो आप रियलमी सैमसंग के साथ जा सकते हो। अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो आप रियलमी के साथ जा सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है और किस हिसाब से आपने फ़ोन लेना है। और दोनों फ़ोन से फ़ोन लेने से पहले आप प्राइस एक बार जरूर देख लेना, कभी प्राइस कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, बाद में आप मुझे कमेंट कर